ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम स्वर्ग में जाते हो और जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि स्वर्ग में तो जाएंगे और वहां जाकर के क्या करेंगे। अगर ऊंच पुरुषार्थ नहीं किया, ऊंच पद नहीं पाया, तो स्वर्ग में जाकर के भी क्या फायदा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि स्वर्ग में जाना है, ऊंच पद पाना है और उसके लिए पुरुषार्थ करना है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि अपने आप को चेक करना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई भी अवगुण है तो उसको भी निकालते जाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, कई प्रकार के जानवर हैं, कई जानवर हैं जो बहुत दुख देते हैं, कई कम देते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी अपने अंदर चेक करना है कि किसी को भी, ना बहुत ना कम, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो आज की मुरली हम सुनते हैं। आज की तारीख है 2 फरवरी 2015। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठी बच्ची सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। मीठे बच्चे सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उसकी निशानी क्या होगी? सब स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, तो उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी बताओ श्रीकांत। अच्छा सुनो, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख आ नहीं सकता। जो स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख आ नहीं सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। पहली बात क्या बताएं कि उन्हें जरा भी दुख नहीं आ सकता। और उन्हें दूसरा नशा क्या रहेगा? क्या नशा रहेगा? हम बहुत बड़े आदमी हैं। तीसरा, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। चौथा, उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। पांचवा, वे दूसरों को खुशखबरी सुनाए बिना रह नहीं सकते। सबको सुनाएंगे खुशखबरी कि बाबा आया है, बेहद का बाप आया है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है। कौन सा संदेश? कौन सा संदेश पहुंचाना है? अभी शिव जयंती आ रही, कोई तो संदेश सुनाओगे ना। संदेश की बेहद का बाप आया है और स्वर्ग की स्थापना कर रहा है और सबको ये संदेश पहुंचाना है। तो तुम सब कौन हो गए? कौन हो गए सभी संदेश पहुंचाने वाले? बाबा ने कहा तुम सब संदेशी हो। बाबा ने एक दादी का नाम संदेशी रखा था, लेकिन आज बाबा ने सबको संदेशी बना दिया, क्योंकि दूसरों को संदेश देना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है, अर्थवा
स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है? अब बताओ राजीव, कौन सा डायरेक्शन है? सबको खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी सुनानी है? तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको सुनो, अच्छी रीत सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है। तुमको भी तात है। कौन सी तात है? कि हम सबको खुशखबरी सुनाते रहे कि बाबा आए हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दूसरे बाबा कहते हैं ये अच्छी रीत सुनाओ। तुमको भी तात है, तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए। एक तो खुशी अंदर में रहे और दूसरा दूसरों को अच्छी तरह से ये खुशखबरी सुनाओ। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए कि अभी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है उनकी निशानी बाबा ने बताई कि उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता, कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। संकल्प में या किसी के बारे में तो बाबा कहते कोई भी प्रकार का किसी भी किस्म का दुख हो नहीं सकता। ये तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया की स्थापना होने में तकलीफ जरूर होती है लेकिन अंदर में कोई तकलीफ नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को सदैव ये स्मृति में रहना चाहिए कि हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बाबा ने पर्चे बनवाए थे, उसमें क्या लिखवाया था बाबा ने? बहनों और भाइयों आकर के ये खुशखबरी सुनो। एक उनको सुनाओ और उनको निमंत्रण दो कि खुशखबरी आकर के सुनो। सारा दिन ख्याल चलते हैं कैसे सबको बाबा का संदेश दें। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके क्या होना चाहिए? सारा दिन हर्षित होना चाहिए। एक देख करके खुश रहो, जैसे साकार में बाबा उसको देख के बहुत खुश होते थे तो बाबा कहते इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर सारा दिन खुश होना चाहिए, हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो इसलिए तुम्हारी कोई भी चलन जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। जंगली चलन समझते ना, ऐसे ऐसे एक्शन कर दिया, कभी किसको दुख दे दिया, किसको कुछ बोल दिया। तो बाबा कहते तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारी चलन कोई भी प्रकार की जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? बहुत वंडर है। बच्चों को वह खुशी रहती ही नहीं है। बाबा कहते इतने खुशी में रहो, बाबा को भी वंडर लगता है। कितना सब समझाते हैं तो भी बच्चों को खुशी नहीं रहती है। ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुम्हें क्या बनाया है? अब बताओ मैंने क्या बनाया? बाबा ने क्या नाम दिया, क्या टाइटल दिया? बाबा ने क्या टाइटल दिया बोलो माताएं? अभी तक याद नहीं है क्या टाइटल है? संदेशी। संदेशी अर्थात बाबा का संदेश देने वाले। और इंग्लिश में बाबा ने कहा कि तुम सब मैसेंजर हो। तो बाबा कहते बाप ने तुमको मैसेंजर्स बनाया है, सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म
कब रचा गया, फिर कहाँ गया, अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ। कौन सी खुशखबरी? बाबा कहते सबको ये खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी होगी। प्रदर्शनी में भी तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना, जब शुरू शुरू में प्रदर्शनी बनाई थी ना, तो उसमें खुशखबरी लिखी होती है, और जब सुनाने वाले समझाने वाले होते थे वो भी उसी उमंग से जोश से समझाते थे, तो बाबा कहते प्रदर्शनी में भी तो तुम ये खुशखबरी सुनाते हो। बेहद की वापसी आकर स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वे कहाँ गए ये कोई भी नहीं समझते, इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की लेकिन सीरत बंदर मिसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है और सीरत देवताओं जैसी बन गई। मनुष्यों के लिए कहते हैं सूरत है मनुष्य की, सीरत है बंदर जैसी। अब आओगे तो तुम्हारी सूरत जो है मनुष्य की, लेकिन सीरत बन रही है देवताओं जैसी। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है, जिनको ग्रस्त व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनके लिए क्या है? जिनको कोई बंधन नहीं है, वानप्रस्थी हैं, विधवा है, कुमारियां हैं, बाबा के तो उनके लिए तो सेवा का बहुत अच्छा चांस है, तो जाकर के ये सेवा कर सकती हैं, सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना, बाबा बच्ची कुमारियां होंगी बाबा के सामने, तो बाबा उनको बता रहे हैं कि आज की शादी कैसी है, जैसे कि बर्बादी करना है। शादी ना करना आबादी है, क्योंकि दूसरों को ज्ञान देंगे, दूसरों का जीवन बनाएंगे, अपना जीवन बनाएंगे। शादी करना बर्बादी, ना करना आबादी है। बाप कहती है ये मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है, तुमको तो पावन दुनिया में चलना है, तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए, इतनी प्रदर्शनी करते जाओ। अभी भी खूब करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, एक जगह किया फिर दूसरे दिन दूसरी जगह किया, तो बाबा कहते प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो हैं, उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं, बाबा हम सर्विस छोड़े, फिर बाबा क्या कहेंगे? बाबा भी तो देखेंगे सर्विस छोड़ के आ जाएं और यहाँ कुछ ना करें। आ जाते हैं सर्विस के लक्ष्य से, फिर करना छोड़ देते हैं, तो इसलिए बाबा कहते बाबा भी देख करके बताते हैं। बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भल सर्विस करो, ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहती है अपना राज्य भाग्य आकर के लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से ले लो, लेकिन राज्य भाग्य लेने के लिए क्या करना है? सिर्फ मेरी श्री मत पर चलो। 5000 वर्ष पहले भी लिया था, अब लो, और लेने के लिए सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैजेस पर भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है। बाबा ने बहुत बनवाए थे, सबको देते थे, तो बाबा कहते बहुत फर्स्ट क्लास चीज है, भल पाई पैसे की चीज है। मीन्स देखने में तो सब उस समय तो बहुत मेटल के बने हुए थे, ऐसे सिंपल थे,
बाबा कहते देखने में चाहे कम वैल्यू के हैं, परंतु इससे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं, यहाँ तो किताब आदि की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ क्या करना है, क्या करना है, सबके कानों में ये संदेश देना। किताबों आदि की बात नहीं है, लेकिन सबके कानों में ये संदेश देना है, ये है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की कोई वैल्यू होती है क्या? झूठी चीज की तो इतनी वैल्यू नहीं है, साधारण होती है, थोड़े भी मिल गया यूज करो और फेंक दो। बाबा कहती जो सच्ची चीज है उसकी वैल्यू होती है, झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है। वैल्यू तो हीरों की होती है, ना कि पत्थरों की। बाप कहती है शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कलप पढ़ते आए हो, उससे कुछ मिला नहीं है। इतने शास्त्र पढ़े, इतना कुछ किया, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति में वो शास्त्रों की अथॉरिटी, और बाबा है ज्ञान का सागर। इनका एक एक वर्शंस लाखों करोड़ों रुपए का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पद्मापति जाकर के बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो, पद्मापति जाके बनते हो। इस ज्ञान की महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो क्या हाल हो गया, बाबा कहते कंगाल बन पड़े हो। तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है, ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो क्या बोलेंगे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो, आओ तुम हम आपको बताएं। तो बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बोलो अपने धर्म को भूल तुम बाहर क्यों भटकते हो, तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाती हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख योनियां, केवल 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले है ना, अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, और सब धर्म है, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं, बाकी सब धर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस धर्म को वो भूल गए हैं। जब ये धर्म था तो और कोई भी धर्म नहीं था। कितना सहज है, ये बाप है और ये कौन है, शिव बाबा बाप है और ये है दादा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ढेर के ढेर बीके होंगे। बाप आकर के और क्या करते हैं, बाबा कहते बाप आकर के रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का भी अर्थ कुछ नहीं समझते, वो कह देते सीता शोक वाटिका में बैठी थी, लेकिन क्या अर्थ है वो भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं ये तो शोक की दुनिया, दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना, परम धाम को, शांति धाम को इंग्लिश में इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती ही आती है, जब से अंग्रेजों ने राज्य किया तो अंग्रेजी शुरू कर दी। सच्ची में तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की अपनी भाषा होगी, अपनी सब कुछ होगा, लेकिन जब से ये आई तो अंग्रेजी चलती आई। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। अब कहती हैं निर्गुण बाल संस्था, ये एक संस्था थी जिसका था निर्गुण बाल संस्था,
छोटे छोटे बच्चों की संस्था बनाई, उसका नाम रखा होता निर्गुण बाल संस्था। फिर गाते रहेंगे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना आए, तो बाबा के लिए नाम रख देते हैं। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसी ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते हैं, बिगर अर्थ नाम रख देते हैं, अथा संस्थाएं हैं। नाम भी अथा और नाम भी ऐसे ऐसे रख देते अच्छे अच्छे, गुण कुछ नहीं, संस्थाओं के भी नाम ऐसे रख देते हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी। हाँ, गौ संस्था के नाम से फिर कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की एक ही संस्था थी, और कोई धर्म नहीं था। परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु बाबा क्या कहते हैं? बाबा के तो शिव बाबा की यज्ञ में रहते हैं, और क्या करते हैं? खाते हैं तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना, खाते रहेंगे तो फिर बोझ चढ़ता रहेगा, तो इसलिए हर एक को अपने आप को चेक करना है। तो बाबा बताते हैं भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं बाबा का राइट हैंड है धर्मराज। खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। कई बार तो कैसे सारा दिन खाली रहते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो फिर बाबा भी तो देखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाबा का राइट हैंड है धर्मराज, वह जरूर सजा देंगे, इसलिए सावधानी दी जाती। कईयों ने तो अपनी सेवा ड्यूटी पर रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ड्यूटी पर नहीं होते हैं, खाली रहते हैं, तो कोई ना कोई सेवा करते रहना चाहिए। बाबा की तो सेवा के बिना नहीं, बाबा के यज्ञ में रहते हैं खाते हैं, तो सेवा करेंगे तो अपने को भी खुशी होगी और दूसरों को भी खुशी मिलेगी। तो कोई भी खाली होता है तो सेवा में अपना हाथ बढ़ाते ही रहें, कोई ना कोई सेवा जरूर करते रहें। इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह जरूर सजा देंगे, इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है, प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाबा के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं ना, सुबह से उठकर, आजकल तो क्या करते हैं, आजकल के कैसे रिलीजियस माइंडेड हो गए, घर बैठे ही सब कुछ कर देते हैं। तो बाबा कहते घर बैठे ही कंप्यूटर में ही कहते चलो पूजा कर लो, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं वो सुबह सुबह मंदिर जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है कहाँ पर, कहाँ जाके ज्ञान दे सकते हो? बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, कभी कभी बाबा कहते शिव के मंदिर में, यहाँ शिवलिंग है शिव के मंदिर है वहाँ जाकर के ज्ञान दो, क्योंकि अभी तो शिव जयंती भी आ रही है। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उनको ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहाँ जाकर के भी समझाओ। शिव के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पाठ पूरा हो जाएगा। सुनने वाले भी नहीं रहेंगे, किसको समझाएंगे? और सुनने वाले अगर नहीं सुनेंगे, पाठ पूरा हो जाए क्या सुनेंगे? तो इसलिए बाबा कहते सबको सुनाते रहो। तुम जाकर के राजाई कुल में जन्म लेते हो, राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़ी सुना देंगे कि राजधानी कैसे स्थापन होगी, क्या होगा। तो बाबा कहते वो आगे चल करके मालूम पड़ेगा। तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे,
जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना, राजाओं के पास बहुत धन रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। भारतवासियों के लिए ये ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया हुआ, धर्म की स्थापना हो रही है। पति से पावन बनाने वाला बाबा आया हुआ है, उनको समझाओ, आकर के सुनो। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा नहीं होती। बाबा इतना सहज समझाते, बुद्धि इतनी पतित हो गई है, तमो प्रधान हो गई है, कितना भी सुनाओ तो बुद्धि में बैठता नहीं है। इसलिए बाबा कहते, कुछ भी धारणा नहीं होती है, विकारों की प्रवेशता है, जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई में क्रोध बहुत होता है और कोई जानवर बिल्कुल शांत है, कोई में बहुत क्रोध, कोई में बिल्कुल शांत। हर एक जानवर का स्वभाव भी अलग अलग होता है, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के, जानवरों में भी किस्म किस्म के, और फिर मनुष्यों में भी ऐसे है, किस्म किस्म के स्वभाव हैं, और कैसे कैसे कोई न कोई प्रकार से दुख देते रहते हैं। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। साकार बाबा के टाइम पर उस समय तो बहुत बंधन थे, बच्चियों को बंधन थे और आने नहीं देते थे, और अभी इतने बंधन नहीं है। कौन से बंधन है? मन के बंधन है, कोई ना कोई प्रकार का बंधन बना लेते हैं। तो बाबा कहते, अपने आप को बंधन में बांध, उस समय उनको बंधन थे, तो क्या जैसे बहुत कष्ट उठाते थे। बेचारी कैद में है जिनको बांधेली कहते हैं, वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाए तो कोई भी उनको पकड़ न सके। यहाँ भी कहेंगे ना, उनको बंधन है, क्या है, वास्तव में अंदर से प्रकाष्ठा है तो कोई पकड़ नहीं सकता है, परंतु मोह की रग बहुत है, राज बता दिया। कोई कहे ना बंधन है, ये है, तो बाबा ने कहा उसका बंधन का कारण क्या है? मोह की रग। परंतु मोह की रग बहुत है, सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है तो बड़ा मुश्किल से वे रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना है, क्योंकि ये पुरानी पतित दुनिया खत्म होनी है, इस शरीर को भी भूल जाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मित्र संबंधी भूले होते हैं, फिर चलते चलते पता नहीं कहाँ के दूर के मित्र संबंधी आ जाते हैं, उनको याद करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मित्र संबंधी सबको भूलना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, 84 जन्मों का पाठ तो बजाना है, बीच में तो कोई वापस जा न सके, अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को क्या होना चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि नाटक पूरा हो रहा है, अभी हमको जाना है अपने घर। नाटक पूरा हुआ तो उत्कंठा होनी चाहिए ना, अभी नाटक पूरा, जल्दी जल्दी चले, अपने घर चले। बाबा को बहुत याद करें, याद से विकर्म विनाश होंगे, घर जाकर फिर सुख धाम में जाएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, बाबा क्या कहते हैं? कई बार कई कहते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, बाबा की तो छूटना क्या है, पहले पुरुषार्थ तो कर लो, परंतु जाएंगे कहाँ? चलो छूट भी जाएंगे कहाँ, फिर यहीं आएंगे, तो इसलिए पुरुषार्थ करके सीधा एक ही बार परम धाम जाने का। परंतु जाएंगे कहाँ, पहले ऊंच पद पाने के लिए मेहनत तो करनी चाहिए ना।
पहले अपनी नफ्स देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? लायक ही नहीं बने वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाकर के भी क्या करेंगे? पहले तो लायक बनना पड़े, बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना, बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। बाबा भी खुश होते हैं, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े लायक हैं, सब अच्छे बच्चे हैं ना। क्या कहेंगे बाबा को? हाथ खड़ा करो, बाबा को बताओ हम सब अच्छे बच्चे हैं। जो हाथ नहीं खड़ा करेगा तो उसको क्या कहेंगे बाबा? वो और अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे, हाथ खड़ा नहीं किया है तो बाबा कहते सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप के सपूत बच्चे, अच्छा बाप भगवान भी कहते ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं, सर्विस करने के लिए लायक हैं। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक नहीं है। बाबा भी तो हर एक नर्व्स को जानते हैं, बस तो अपना पद भी भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, कभी कभी बाबा ने देखा सच बताना किया, फिर बच्चों को थोड़ा सा अंदर में वो हो जाता था, फिर बाबा हर एक बच्चे को उमंग उत्साह दे करके चढ़ाते थे, ऊंचा उठाते थे। बाप कहती हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। हैं लायक, करते नहीं हैं, भूल जाते हैं, मस्त रहते हैं। तो बाबा कहते कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। मेरे जो भगत हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को तो आग लग रही है, सामने एम एन ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको ये बनना है, एम एन ऑब्जेक्ट देखते रहेंगे तो खुशी रहेगी। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो, अगर बाबा कहते हैं याद रहेगा, बाबा को याद करेंगे, एम एन ऑब्जेक्ट को देखकर खुश रहेंगे, तो कोई भी शैतानी का काम नहीं होगा। नहीं याद करेंगे तो बुद्धि कहाँ होगी? शैतानी को सोचते रहेंगे ये करे वो करे। तो बाबा कहते सारा दिन याद करेंगे तो फिर कोई भी शैतानी का काम नहीं होगा। हम ये बन रहे हैं फिर ये उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां रचते भी नहीं है, अपनी कमाई भी नहीं करते हैं, ना अपनी करते ना दूसरे को करने देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को भी ये कमाई करानी है। घर बैठे खुद भी कमाई करो, फिर घर बैठे दूसरों को भी ये कमाई कराते रहो, और घर बैठे फिर क्या करो, स्वदर्शन चक्र भी फिरो। अपनी कमाई करो, दूसरों को कराओ, फिर स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्र धारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा भी ऊंच होगा। जितना औरों को ज्ञान देंगे, बाबा का बनाएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनाएंगे, उतना बाबा कहते उस बच्चे का भी स्टेटस मर्तबा भी ऊंच होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं, एम एन ऑब्जेक्ट ये है। हाथ भी सब क्या उठाते हैं, सब हाथ उठाते ना, हम सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा हाथ उठवाते थे, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी बनेंगे, सब सूर्यवंशी के लिए हाथ उठाते थे। फिर बाबा कहते थे तुम्हारे मुख में गुलाब, क्योंकि खुशखबरी है। तो बाबा कहते सब हाथ तो सूर्यवंशी के लिए उठाते हैं, हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इस पर समझाना है कौन सा, लक्ष्मी नारायण का चित्र। हमको ऊंच से ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम आपको सुनाते हैं, जो बाबा ने सुनाया वही हम आपको बता रहे हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना
हम पसंद नहीं करते उनको ऐसे बोलो कि हमने अब ये सुन रहे हैं, वो बहुत सुन लिया है, अब हमको जो बाबा सुनाते हैं वो पसंद करते हैं, ये बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, आज का टाइटल याद है? क्या टाइटल है? संदेश है तो अभी संदेश भी देना, लेकिन सासा बाबा ने क्या कहा, सर्विस के बिना नहीं रहना है, खाली नहीं बैठना है, सेवा करते रहना है। बाबा ने कह दिया, बाबा का राइट हैंड क्या है वो भी सबको बाबा ने बता दिया, इसलिए हर एक को अपनी अपनी चेकिंग भी करनी है। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहां तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है, ज्ञान की प्रकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरा, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है, दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है, दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है, वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव, एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते। एयर कंडीशन की टिकट चाहिए ना सबको, ये एयर कंडीशन की टिकट चाहिए, किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, जो हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ टिकट के लिए भी कौन सा पैसा देंगे। बाबा ने बहुत अच्छा बताया है, उस टिकट के लिए पैसा देते तब तो एयर कंडीशन की टिकट मिलेगी। तो यहाँ बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती जाएगी। तो मनी जमा कर सकते हैं ना, सदा विजयी बनने के लिए ये मनी जमा करनी है। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा,